हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम आपको हिंदी के पेपर जो डिजाइन है उसके बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्या क्या टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसके अंदर जो दिया हुआ है वो ये है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार की फॉर्म है। तो यहां पर है फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद मार्क और उसके बाद टाइम, इस प्रकार से दिए हुए हैं। इसमें फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है ई का मतलब है ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये आपका चार क्वेश्चन आते हैं और ये 24 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 24 मार्क्स के होते हैं और लगभग इनका जो टाइम है वो 70 मिनट का होता है, लगभग 1 घंटा 10 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद एस ए टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपके 8 आते हैं और इनका जो मार्क्स टोटल नंबर है वो 32। इसका मतलब है कितने मार्क्स के हुए पर क्वेश्चन, कितने मार्क्स के हुए, ये 6 मार्क्स का हुआ और ये 4 मार्क्स, 8 + 32 ये 4 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आपके 5 आते हैं और ये 10 नंबर का है, इसका मतलब है 2 नंबर की हो। और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 14 होते हैं और ये 1-1 नंबर का होता है और 14 क्वेश्चन के होते हैं और ये टोटल आपके जो हैं वो आपके 31 क्वेश्चन होता है और 80 नंबर का होता है और टाइम जो है वो 50 नंबर का है, 50 मिनट का है, ये 10 मिनट का है और ये 20 मिनट का है। तो ये इस प्रकार से इसका टाइम बाउंड किया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए। दे देखिए ये 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के 14 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये इसमें इस प्रकार से दिए हुए हैं और इसमें लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर भी उसके साथ होते हैं, ऑप्शन टाइप में आते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर दिया। आगे आपके पास जो यूनिट दी हुई है इसके अंदर जो बुक्स दी हुई है वो आरओ बुक्स दी हुई है, वितान दी हुई है, और अभिव्यक्ति व माध्यम ये दी हुई है और एक इसमें व्याकरण दिया हुआ। ठीक है, इसके अंदर गद्य, गद्य दिया हुआ है
आरोह एक होता है, इसमें पद दिया हुआ है 1 से 10 लेसन होते हैं, इसमें भी 1 से 10 लेसन होते हैं, और वितान में 1 से 3 होते हैं। पूरक वितान ये पूरक वाली है और ये 1 से 3 पाठ है। अभिव्यक्ति और माध्यम में ये जो पाठ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, 2, 9, 10 और 14, 15 और 16 ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे 15 नंबर के आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं? 15 मार्क्स के आते हैं। 15 मार्क्स के आते हैं। और वितान जो पूरक है वो 10 मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। और जो ये पद है ये 25 के आती है और ये 20 मार्क्स के आते। और व्याकरण जो है इसके अंदर संधि, समास, अपठित गद्यांश और वाक्य शोधन ये 10 मार्क्स का। तो अभी तक आपको जो दिया हुआ है 10 मार्क्स का, यानी कि व्याकरण पाठ है, ये आपको कंप्लीट करवा दिया है। क्या करवा दिया है? कंप्लीट करवा दिया है। और इसमें 4 नंबर का तो अपठित गद्यांश आता है, एक गद्यांश आएगा, उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं। उसमें 4 भी भाग क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। वैसे 4 नंबर का आता है, ये 4 नंबर का आता है और ये 2-2 नंबर के आते हैं, संधि 2 नंबर की, समास 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का, और ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का। तो इस प्रकार से ये 10 नंबर का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और अब जो अभी करवाने हम जा रहे हैं उसमें पहला जो है वो हम करवाएंगे, जिसमें गद भाग है। गद भाग दिया हुआ है और इसमें आपको ये छोटे क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर के, इसमें जैसे अभी पैटर्न में बताया था 7 नंबर के, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से भी 7-7 नंबर के, दोनों में से आते हैं, 14 नंबर के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 नंबर का इसका सहप्रसंग व्याख्या आती है, ठीक है, 6 नंबर की व्याख्या आती है। और उसके बाद 2-2 नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं, और एक इसमें परिचय आता है, जीवन परिचय आता है, ठीक है, इसमें जीवन परिचय आता है, तो वो भी इंपोर्टेंट है गद में। तो ये आपका 3 नंबर का ये आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन का जो आपको मार्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम कल से, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको
इन सभी के बारे में के लेसन से संबंधित सभी बातें आपको पढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों ने बुक्स खरीद ली होगी और गद खंड आरोह भाग वन, ये गद वाले में इसका पहला जो लेसन है दूध का दाम, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये रचित है और बहुत ही अच्छा लेसन है। इसकी जीवन परिचय के बारे में और इनके बारे में आपको बताएंगे कल, लेकिन आपके पास बुक्स है तो आप इसको एक बार अवश्य पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार अवश्य पढ़ेंगे ताकि कल जब आपको समझाया जाए तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, और फिर इसके बाद में आपका आगे का जो कार्य है वो बाद में करवाएंगे। मैं कल आपको इसकी समरी के बारे में और इनके बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। एक जो गद्यांश है, गद्यांश के अंदर प्रसंग आएगा, फिर उसकी व्याख्या आती है और एक उसका विशेष होता है। तीन चीजें होती है गद्यांश के अंदर। व्याख्या उस पाठ के आधार पर ही होती है, जब आप यदि उसमें सार को अच्छी तरह याद कर लोगे तो व्याख्या करने में परेशानी नहीं आएगी। और उसके बाद प्रसंग है, प्रसंग के अंदर सीधा सा है कि ये कहानी के इस भाग उसमें लिया गया कौन सा लेसन है और इसके जो लेखक हैं, रचिता हैं, वो कौन है और किससे संबंधित इसका बताया गया है, इसके बारे में व्याख्या प्रसंग के अंदर थोड़ा सा हम रूटीन बताते हैं। विशेष में इसमें अलंकार का काव्य सौंदर्य है उसके बारे में वर्णन बताते हैं और एक दो कि उस व्याख्या के अंदर सबसे विशेष क्या प्रयोग किया गया है उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने विस्तार से आपको सभी इसके बारे में बता दिया है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और हिंदी की जो बुक्स आपने बना रखी है, नोटबुक बना रखी है, उसकी फ्रंट पेज में इस एग्जाम जो पैटर्न है उसको लिखेंगे ताकि भविष्य में इसके बारे में आपको जानकारी, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें से देख सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से है। और उसमें हमें ये बेनिफिट है कि सबसे पहले हम अपने पासिंग मार्क्स जो है नंबर उनकी तैयारी करें, फिर उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी हम उसकी तैयारी करें ताकि हमारे अब हिंदी में भी फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। थोड़ी सी लिखाई पे और थोड़ा सा ध्यान यदि दिया जाए तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों की पालना करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।